एमपीसी के लिए देखिए, यहाँ पे सूत्र हमने लिख दिया है पहले ही, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति आया है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। मार्जिनल का मतलब होता है लास्ट, मार्जिनल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें कोई परिवर्तन
नहीं होगा। तो चलो अब ये सब तो हमें समझ के पहले ही आ जाता है, अब एमपीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपीसी की वैल्यू निकलेगी कैसे? एमपीसी की वैल्यू एमपीसी का सूत्र से निकलेगी। एमपीसी का सूत्र ये लिखा हुआ है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पर देखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी पहले पॉइंट पे कैसे निकलेगा? पहले पॉइंट पे तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है भाई, इस पॉइंट पर हम कैसे जानेंगे क्या परिवर्तन है? ये तो हमारा इनिशियल है यानी स्टार्टिंग है, यहाँ पे हम जान ही नहीं पाएंगे या कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये स्टार्ट है, यहाँ से शुरू हुआ परिवर्तन हमारे यहाँ पे। तो जब इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई कुछ भी नहीं, या अगर निकलेगी तो ये हम 0-0 और ये होगा हमारा 0-500, तो -500 तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। यहाँ पर देखते हैं दूसरे पॉइंट पर, यहाँ वैल्यू कैसे निकलेगी? डेल्टा सी, डेल्टा सी का मतलब है कि जो आय जो उपभोग है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो है डेल्टा सी। तो डेल्टा सी यहाँ पे कितना था? डेल्टा सी का मतलब है C2-C1 अपान y का मतलब है Y2-Y1। तो C2-C1 ये तो 2 होगा ना, अगर हम C1, C2, C3, C4, C5, C6 ऐसा लिखें, ये C ये है, ये y है, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, C1 ये है, C1, C2, C3, C4, C5, 1, C6, ये है। तो C2-C1, C2 यह है हमारा 1250, 1250 माइनस C1 कितना है? 5000, 500, हाँ 5000, 500 है भाई, 5000 नहीं है, 500 बटे Y2-Y1, Y2 ये है 1000-0 यानी 1000 ही होगा, इसको 1000 ही लिखते हैं, 1000 में 0 घटाएंगे 1000 ही बचेगा। तो ये कितना आ गया हमारा 1250, ये शायद आ गया 250, कितना आया ये आ रहा है 750 आएगा, घटा लीजिए 0 में 0 गया, 5 में 0 गया 5 और 12 में 5 गया 750 बटे 1000। तो 10 से 10 कट गया और 2 बचा तो 2 लेकर के पॉइंट लगा दिया और 1 से भाग करेंगे 0.75 आ गया, तो 0.7 हमारा 0.75 आ गया। और इस बिंदु पर देख लेते हैं दूसरे पर, दूसरे पे इसको कैसे निकालेंगे? वही C2-C1, अब C2-C1 हमारा ये हो गया 1, क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे यहाँ तो निकल गया, इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो जिस पॉइंट या C3-C2 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो C3-C2 कर लिया अपान Y3-Y2 कर लिया, नो प्रॉब्लम, जिस बिंदु पर है उससे ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो बराबर C3 हमारा कितना है 2000-1250 बटे आ गया 2000-1000 बराबर आ गया कितना, ये 750 बटे 2000 में से एक गया 1000 बचा, वही आ गई स्थिति 20.75, एक से बात करेंगे 0.75 भी आएगा, 0.75 ये भी निकल गया। तो ऐसा ही सब जगह आएगा, घटाओगे 750 बटे 1000 भी हर जगह आएगा, और जब 1000 आएगा तो जब भाग करोगे 0.75 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जो एमपीसी है वो हर बिंदु पर समान रहता है, तो ये हर बिंदु पर समान रहता है और कहीं भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी, कल हम समझेंगे एमपीसी और एपीसी में क्या संबंध है, अल्पकालीन दीर्घकालीन औसत उपभोग की प्रवृत्ति, ये सब पढ़ेंगे अगली क्लास में।